बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्कैटरिंग बाय यूनिट सेल। एज यू नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज बाय एन इलेक्ट्रॉन। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे बाय एन एटम, एंड टुडे वी विल बी डिस्कस्ड स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज बाय यूनिट सेल। तो असल में हमने स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे ही पढ़ना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग हो रही हो, या एटम से हो रही हो, या यूनिट सेल से हो रही हो। तो ये एक्सरे की स्कैटरिंग आपको पता है, ये अगर एक्सरे की स्कैटरिंग एटम से हो रही होती है तो उसे हम कहते हैं, उसे जो फैक्टर डील करता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो जो फैक्टर एटॉमिक स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे बाय यूनिट सेल से को डील करे उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर फैक्टर। और ये स्कैटरिंग जो है इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड, क्योंकि जो वेव स्कैटर हो रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या है। आप लोगों को पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग हो रही है तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो वो कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग होगी, और कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये एटम जो होता है वो एक्चुअल में कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो कलेक्शन स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे बाय एटम है वो एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर्म है इलेक्ट्रॉन की, स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे बाय इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह कलेक्शन ऑफ एटम मीन यूनिट सेल के अंदर मुख्तलिफ एटम्स का क्यों होते हैं, कलेक्शन उनकी होती है, एक खास अरेंजमेंट होती है। तो हम कहेंगे कि अगर एक्सरे स्कैटर हो रही है एटम यूनिट सेल से, मीन कलेक्शन ऑफ एटम से, तो वो जो एटम से स्कैटरिंग एक्सरे की उसी को ही मॉडिफाई किया जाता है। तो ये कोई मिलते जुलते, ये सारी स्कैटरिंग जो है ना वो एक ही तरह की है, मिलते जुलती है। लेकिन यहाँ फिर हमारे पास दो पैरामीटर्स आते हैं जो इन स्कैटरिंग को डील करते हैं, एटम की स्कैटरिंग को और यूनिट सेल की स्कैटरिंग को। तो एटम की स्कैटरिंग को डील करने वाला फैक्टर है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, जबकि यूनिट सेल की स्कैटरिंग को डील करने वाला फैक्टर है स्ट्रक्चर फैक्टर। स्ट्रक्चर फैक्टर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये बिल्कुल उसी तरह की डेफिनेशन जैसे एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर की थी। स्कैटरिंग फैक्टर भी यही एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड वेव बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डिवाइडेड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव स्कैटर्ड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम ये करेंगे कि स्ट्रक्चर फैक्टर स्केटिंग फैक्टर की तरह है, जस्ट वी रिप्लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नंबर ऑफ एटम्स, यानी एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनसे जो वेव स्कैटर हो रही है उसका हम रेशियो लेते थे स्केटिंग फैक्टर में सिंगल इलेक्ट्रॉन की स्केटिंग से, बट इन स्ट्रक्चर फैक्टर वी विल टेक द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव स्कैटर्ड बाय यूनिट सेल या बाय ऑल द एटम इन अ यूनिट सेल विद द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ वेव स्कैटर्ड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के ही साथ ही रेशियो लेनी है। अगर आप तमाम इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर लोगे तो वो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, और अगर तमाम एटम्स की यूनिट सेल के साथ आप लोग स्कैटरिंग की रेशियो लोगे इलेक्ट्रॉन के साथ तो वो होगा स्ट्रक्चर फैक्टर। तो स्ट्रक्चर फैक्टर जो है इसी को आज हमारा जो मेन फोकस है वो इसी स्ट्रक्चर फैक्टर को डिस्कस करना है डिटेल से। तो स्ट्रक्चर फैक्टर क्या चीज बताता है, ये कोई भी एटम कितनी स्कैटरिंग कर रहा है, और ये स्कैटरिंग अंदर एटम से या प्लेन से होती है, तो फिर जिस हिसाब से स्कैटरिंग हो रही होती है उस स्कैटरिंग जो ओवरऑल हमें पता चलती है वो स्ट्रक्चर फैक्टर से पता चलती है। तो स्ट्रक्चर फैक्टर को अगर हम देखें तो इसका जो फॉर्मूला है, यानी इसका ये फार्मूला डायरेक्टली हम इसके डेरिवेशन की तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन इसका फार्मूला जो है स्ट्रक्चर फैक्टर का वो है समेशन एफ एक्सपोनेंशियल 2πiHuj+kVj+lWj। तो आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर एफ एच के एल मीन एफ जो है स्ट्रक्चर फैक्टर जो है ये डिपेंड करेगा एच के एल पर, यानी इसका जो रिजल्ट है वो एच के एल पर डिपेंड करेगा कि एच के एल कैसे हैं, एच के एल मीन जो मिलर इंडिसेस हैं वो कैसे हैं, क्या वो इवन हैं या ऑड हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये एच के एल इसके साथ सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है ताकि ये आप लोग देख सको कि स्ट्रक्चर फैक्टर है, ये स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू जो है ये एच के एल के वजह से आती है।
यहाँ पर जो एफ है ये एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है, और ये आप लोग पीछे कैलकुलेट करना, ये इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ये असल में एक्सपोनेंशियल 2 पाई आई, ये आई इज द इमेजिनरी नंबर, और एच के एल दीज आर द मिलन डिसीज, बट यू वी डब्ल्यू दीज आर एक्चुअली कोऑर्डिनेट ऑफ द एटॉमिक साइट, एटम के जो कोऑर्डिनेट है उसकी पोजीशन के, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये असल में अगर हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये जो स्ट्रक्चर, अगर इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग हो रही है, तो वो तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है। लेकिन स्कैटरिंग फैक्टर ऑफ यूनिट सेल, ये होगा जो एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल द वेव स्कैटर्ड बाय ऑल द एटम इन अ यूनिट सेल, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल द वेव स्कैटर्ड बाय ऑल द एटम इन ऑल द इलेक्ट्रॉन इन एटम, ये हमें देगा एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। और रिजल्टेंट ऑफ द वेव स्कैटर्ड बाय रिजल्टेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल द वेव स्कैटर्ड बाय एटम इन द यूनिट सेल, दिस गिव्स ऑल द स्कैटरिंग फैक्टर, बट दिस स्कैटरिंग फैक्टर इज फॉर यूनिट सेल। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यूनिट सेल का जो स्कैटरिंग फैक्टर है वो स्ट्रक्चर फैक्टर है, या फिर स्ट्रक्चर फैक्टर भी स्कैटरिंग फैक्टर है, लेकिन ये एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर नहीं है, यूनिट सेल स्कैटरिंग फैक्टर है। तो ये स्कैटरिंग फैक्टर ही है, एटम का नहीं बल्कि यूनिट सेल का है। और हम फिर स्ट्रक्चर फैक्टर को ही इस्तेमाल करते हुए हम इंटेंसिटी ऑफ ब्रैग रिफ्लेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, यानी जो रिफ्लेक्शंस हैं हम उनकी इंटेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से, अगर हम यही स्ट्रक्चर फैक्टर का स्क्वायर लें, तो स्क्वायर ऑफ द स्ट्रक्चर फैक्टर गिव्स अस द इंटेंसिटी। और स्ट्रक्चर फैक्टर तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ सकता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें मौजूद है, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो हमेशा रियल होगी, यानी स्ट्रक्चर फैक्टर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है बट इंटेंसिटी इज ऑलवेज रियल। और दूसरी चीज स्ट्रक्चर फैक्टर वन, ये इंडिपेंडेंट है शेप और साइज से ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का, अगर यूनिट सेल को आप डिस्टोर्ट करते हो, फोर्स लगाते हो, स्ट्रेस करते हैं, और उसके डिस्टोर्शन उसमें आ जाती है, तो उसका फिर भी स्ट्रक्चर फैक्टर जो वो वही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगी। और अगर एक यूनिट सेल छोटा है और उसी तरह का एक यूनिट सेल बड़ा है, यानी उस नंबर ऑफ प्लेन्स उसमें उतने ही हैं, एटॉमिक साइट भी ऐसी है और उसका साइज बड़ा भी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कैटरिंग फैक्टर वही रहेगा, स्ट्रक्चर फैक्टर वही रहेगा। स्ट्रक्चर फैक्टर जो है इसमें, ये जो सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री है आप जो देख लें, ये इस्तेमाल होगी आगे जब स्ट्रक्चर फैक्टर की कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको ये हेल्पफुल रहेगा कि आपको पता है ई की पावर आयोटा एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, इसके इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक्स को रिप्लेस कर दें पाई के साथ, तो आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास दो किस्म का रिजल्ट आएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नोट करने वाली है, कैलकुलेशन इस्तेमाल होगी। अगर एक्सपोनेंशियल में पाई जो है वो इंटीजर है या इंटीग्रल मल्टीपल है ऑफ ऑड नंबर, तो रिजल्ट हमेशा आएगा -1, और अगर इवन नंबर का मल्टीपल है तो एक्सपोनेंशियल जो है, तो फिर एक्सपोनेंशियल में जो पाई है वो, तो वो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव नंबर। तो ये आप याद रखेंगे ये दो बातें, और आप लोग कैलकुलेशन के दौरान ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को इस्तेमाल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, एक्सपोनेंशियल को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्ट्रक्चर फैक्टर ऑफ सिंपल क्यूबिक हमारे पास जो है यूनिट सेल, हम उसका स्ट्रक्चर फैक्टर डिटरमिन करते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो यूनिट सेल के अंदर जो एटॉमिक साइट्स हैं वो दो हैं, आई एम सॉरी एक है। किसी भी कॉर्नर को आप पकड़ लें तो कॉर्नर की पोजीशन को 0 0 लिया जाता है, 0 0 0। और चूंकि 8 एटम कॉर्नर पर, यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर पर पड़े हुए हैं, तो 8ों की पोजीशन जो है वो किसी भी तरफ से लेंगे तो 0 0 0 ही होगी। तो हम कहेंगे कि एटम की जो पोजीशन है वो 0 0 0 है, जबकि अगर आप लोग देखें इसमें बस और तो कोई चीज़ नहीं है, बस एटॉमिक पोजीशन चाहिए थी और एच के एल की वैल्यू चाहिए थी,
लेकिन इसके एटॉमिक पोजीशन 0 0 है, देयर इज नो नीड ऑफ एचकेएल, तो आप पुट करके वैल्यू रिजल्ट निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर फैक्टर में पता है दिस इज इक्वल टू स्कैटरिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल योटा योटा पाई इनटू दिस वन। ये इन्होंने इजाफी ऐसे लिखा है, आप कंफ्यूज होंगे, इसको आप इस तरह कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर फैक्टर इज इक्वल टू स्कैटरिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय दिस वन। और यहां पर फाई की वैल्यू असल में पाई है, योटा फाई मीन है योटा पाई, सॉरी जिसको हम पाई पाई टू पाई तो दिया हुआ है। सो दिस बिकम्स तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसमें टू पाई आयोटा वही फार्मूला वही है, बस यहाँ पर ये डिलीट करना डिलीट नहीं हुआ, बाकी वही है कि टू पाई आयोटा एच यू जे प्लस के बी जे प्लस एल डब्ल्यू जे। तो यहाँ पर एच के एल तो वैसे ही हम लिख देंगे और आयोटा वैसे टू पे वैसे ही, और यहाँ जो वैल्यू है यानी यू वी डब्ल्यू की या फिर एक्स वाई जी की वो वैल्यू हम 0 0 पुट करेंगे बिकॉज द कोऑर्डिनेट ऑफ द एटॉमिक साइट इज 0 0 0। पुट करने से रिजल्ट आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 आ गया। तो हमारे पास यही स्ट्रक्चर फैक्टर जो है ये एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर के इक्वल आ गया। तो आप ये देख लें कि, और अगर हम इसकी इंटेंसिटी फाइंड करना चाहें तो हम स्ट्रक्चर फैक्टर का स्क्वायर ले लेंगे, देन वी विल गेट द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड ब्रैग रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर जो है आप ये भी कह सकते हो कि सिंपल क्यूबिक केस में जो स्ट्रक्चर फैक्टर का स्क्वायर होता है इंटेंसिटी होती है वो असल में एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर के स्क्वायर के इक्वल होती है। और इस केस में जो स्कैटरिंग जो प्लेन है वो सिंपल क्यूबिक केस में वो इंडिपेंडेंट है एच के एल के, तो एच के एल कोई भी होंगे अगर सिंपल क्यूबिक में तो रिजल्ट हमेशा यही आएगा। तो ये सिंपल सा कैलकुलेट करने का स्ट्रक्चर फैक्टर यहाँ दिया हुआ था मेथड कैलकुलेशन। अगर हम यहाँ पर देखें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की अगर हम स्ट्रक्चर फैक्टर कैलकुलेट करना चाहें तो उसी तरह बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज होगा सारा कुछ इस तरह। डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर दो अटोमिक साइट्स हैं, एक कॉर्नर पोजिशन है और एक बॉडी सेंटर्ड पोजिशन है। तो कॉर्नर पोजिशन इज ऑलवेज टेकन एज 0 0 0, बट बॉडी सेंटर पोजिशन विल बी 1/2 1/2 1/2। तो हमारे पास दो पोजिशन आ गई, तो यहाँ पर दो पोजिशन की वजह से हम समेशन में दो टर्म्स लेंगे। वहाँ समेशन आपने फार्मूले में देखा था, तो समेशन में हम दो टर्म्स लेंगे बिकॉज वी हैव टू कोऑर्डिनेट पोजिशन ऑफ द एटॉमिक पोजिशन। तो अगर हम देखें तो ये इन्हीं एटॉमिक पोजिशन के अगेंस्ट हम दो फैक्टर ले रहे हैं, स्ट्रक्चर फैक्टर आएगा एक स्ट्रक्चर फैक्टर टर्म जो है वो 0 0 के लिए हो और एक 1/2 1/2 1/2 पोजीशन के लिए होगी। तो अगर हम देखें ये स्ट्रक्चर फैक्टर जो है ये एटॉमिक फैक्टर एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर और यहाँ पर पोजीशन लेंगे तो सारी 0 है, तो जो पार है वो 0 में आ जाएगी। और इसी तरह अगर इसको देखें तो ये 1/2 H प्लस 1/2 K प्लस 1/2 L जब पुट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा है। तो 2 को 2 से कैंसिल करें तो रिजल्ट विल बी 1 प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई एच प्लस के प्लस एल। तो यहाँ पर ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। यहाँ हमारे पास दो केस आते हैं क्योंकि ये एच के एल यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो दोनों जो फैक्टर हैं वो एच के एल पर डिपेंड करेंगे। और अगर हम देखें एच के एल की वैल्यू इवन हो, इवन एच के एल की वैल्यू इवन नहीं सॉरी एच के एल का कॉम्बिनेशन जो है वो इवन हो, एच प्लस के प्लस एल का सम जो है वो इवन हो तो क्या होगा? फिर ये होगा कि अगर ये, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था कि अगर ये, जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, आपने ये देखा अगर ये एक्सपोनेंशियल जो है ये ऑड हो तो -1 आंसर आता है, लेकिन अगर इवन हो तो +1। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोग देखें, अब यहाँ पर दो कैसे, अगर तो ये
एच प्लस के प्लस एल ये इवन आ गया, तो फिर इवन का मतलब यह है कि ये वैल्यू जो है ये प्लस वन होगी, और उस सूरत में वन प्लस वन ये सारे एक्सपोनेंशियल की वैल्यू पूरे की वन होगी, तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू और एफ इज इक्वल टू टू एफ, और इसकी इंटेंसिटी उसी तरह फिर 4f का स्क्वायर होगी। और अगर ये सम जो है ये ऑड हुआ तो रिजल्ट जीरो होगा, माइनस वन जीरो नहीं होगा माइनस वन होगा, और वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो इस सूरत में ये जो स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब है ये रिफ्लेक्शन अलाउड नहीं है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगी, इनकी इंटेंसिटी काउंट नहीं होगी, और ये रिफ्लेक्शन जो है ये अलाउड है, यानी इन प्लेन से जो रिफ्लेक्शन होंगी उनकी उनकी स्कैटरिंग जो है वो उस यूनिट सेल की स्कैटरिंग असल में इन रिफ्लेक्शन से ही फाइंड होगी, इन रिफ्लेक्शन से फाइंड नहीं होगी, बिकॉज दीज आर नॉट अलाउड, एंड ना तो ये इंटेंसिटी भी जीरो दे रहे हैं और यहाँ पर स्ट्रक्चर फैक्टर भी जीरो आ रहा है। उस हिसाब से फिर कौन से मिलर इंडिसेस, कौन से प्लेन की रिफ्लेक्शन होगी, स्ट्रक्चर फैक्टर यानी स्कैटरिंग होगी कौन से प्लेन से, वो प्लेन है 110, 200, और इस तरह ये आप लोग खुद फाइंड कर सकते हैं जितने मर्जी प्लेन, लेकिन इनमें क्या एच के एल क्या लेना है, हमेशा हमने एच के एल का सम हमेशा इवन लेना है। और इसी तरह फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पता है इसकी, मैं ये बताता हूँ इसमें एटॉमिक साइट जो पोजीशंस होती हैं वो टोटल चार होती हैं, एटॉमिक पोजीशंस, एक ये वाली 000 कॉर्नर, फिर एक फेस वाली, ये फेस जो है ये होगा लॉन्ग एक्स एक्सिस भी है जी एक्सिस भी है, तो ये आएगा 1/2 0 1/2, और इसी तरह ये नीचे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे है नीचे वाला फेस, तो ये आएगा 1/2 1/2 0, और इसी तरह इस साइड पर जो है ये वाई एक्सिस और जी एक्सिस के दरमियान होगा, यानी 0 1/2 1/2, तो अगर हम देखें तो ये चार पोजीशन बन रही हैं, तीन पोजीशन टोटल नंबर ऑफ एटम भी तो चार है ना, आप नंबर ऑफ एटम को भी देख सकते हैं कि सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल वन होते हैं, मीन इसकी एक ही एटम है तो एक ही पोजिशन है उस एटम की, बॉडी सेंटर्ड में दो एटम होते हैं एक सेंटर पर और कॉर्नर के एटम मिलाकर एक, तो दो पोजीशन होगी, और फेस सेंटर्ड में टोटल चार पोजीशन है, तीन फेस सेंटर्ड की और एक कॉर्नर की, तो ये हम चार पोजीशन के हवाले से अगर देखें तो ये चार पोजीशन में मिल रही हैं, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फैक्टर के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ चार टर्म्स आएंगे, और इन चार टर्म्स को अगर हम काउंट करें तो क्या बनेगा ये हमें देखना होगा, तो ये चार टर्म्स में जब हम वन बाय वन पुट करेंगे यानी कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो पोजीशन कोऑर्डिनेट हैं एटॉमिक साइट्स के उनको पुट करेंगे तो हमारे पास ये वन आ जाएगा, 00 की वजह से तो वन आ जाएगा, बाकी ये वैल्यूज जो हैं ये एच के एल में से हर एक बारी एक एक जीरो है, तो एक एक जीरो होने की वजह से ये दो दो बाकी रह जाएंगे, और इस तरह ये हमारे पास स्ट्रक्चर फैक्टर आ गया। अब उसी तरह के स्ट्रक्चर फैक्टर जो है इसमें एक सूरत तो है ये आएगा 4f के इक्वल और इंटेंसिटी वही 16f², दूसरे केस में ये जीरो होगा। अब ये कैसे होगा आप लोगों को इससे पता चलेगा, अगर तो एच के एल की वैल्यू जो है वो अनमिक्सड है यानी सारी इवन है या सारी ऑड है, तो उस सूरत में ये वैल्यू जो है ये पार जो है वो बन जाएगी 111, और 111 होगी तो फिर ये 1 + 1 + 1 तो 4 आ जाएगा, तो 4f आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर और ये उस सूरत में अगर सारे के सारे अनमिक्सड हैं यानी इवन भी हैं या ऑड लेकिन अनमिक्सड है, मसलन 111 है तो 111 यहाँ पुट करेंगे 1 + 1 2 1 + 1 2 1 + 1 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 111 पुट करने से हमें जो इवन जो एक्सपोनेंशियल है वो एक्सपोनेंशियल में इवन मल्टीपल मिल रहा है पाई का, तो जिसकी वजह से 11 आएगा और ये 4 आ जाएगा, लेकिन अगर ये मिक्सड हुए इवन और ऑड, यहाँ जीरो को इवन आप लोग इवन नंबर समझें, तो इवन और ऑड का मिक्सचर होगा तो उस सूरत में हमें ऑड मल्टीपल मिलेगा पाई का और रिजल्ट जो है वो जीरो का देगा स्ट्रक्चर फैक्टर का। और इसी तरह ये बस सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड की पोजीशन जो का स्ट्रक्चर फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, उसके से इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको बता दिया, और आप ये छोटी सी असाइनमेंट अपने तौर पर कर लीजिएगा, ये असाइनमेंट है कि आप लोगों ने कैलकुलेट करना स्ट्रक्चर फैक्टर और इंटेंसिटी यानी ब्रैग रिफ्लेक्शन जो होती है उनकी इंटेंसिटी भी फाइंड करनी है अगर पॉसिबल है तो।
एंड आई होप कि ऑल केसेस में पॉसिबल होगी, तो आप किसकी कर सकते हैं, यानी आसानी से जिनकी हो सकती है वो कर लीजिएगा, लेकिन स्ट्रक्चर फैक्टर तो आपने कैलकुलेट करना हर एक का। और स्ट्रक्चर फैक्टर आ जाए तो फिर उसका स्क्वायर लेना, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म बहुत ज्यादा है तो फिर कुछ डिफिकल्ट हो जाता है इसको करना। एनी हो, आप लोगों ने ये चार में स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूँ, बॉडी सेंटर्ड, ऑर्थोरम्बिक, फिर इसके बाद सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है, ऑर्थो बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरम्बिक स्ट्रक्चर, मैं स्ट्रक्चर भी लिख देता हूँ, सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, B2 टाइप स्ट्रक्चर एंड L12 टाइप स्ट्रक्चर। B2 टाइप स्ट्रक्चर और L12 टाइप स्ट्रक्चर, दीज आर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है। और B2 टाइप स्ट्रक्चर जो है ये आप ले सकते हो, कॉपर जिंक भी ले सकते हो, और यानी कॉर्नर साइड पर कॉपर एटम है और बॉडी सेंटर पोजिशन पर जिंक एटम है। और इसी तरह आप लोग L12 टाइप में कोई भी मसलन एल्यूमिनियम निकल ले लो, एल्यूमिनियम निकल, तो ये बॉडी सेंटर, असल में ये L12 टाइप ऑर्डर्ड FCC स्ट्रक्चर है। तो आप इनके लिए स्ट्रक्चर फैक्टर और फिर इनकी इंटेंसिटी, पीक्स की रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ये आप लोग कर लीजिएगा। और वो फोर्थ लेक्चर को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, और ये आज तीनों मुकम्मल हो गया, तो आप इनको तैयार कर लें, नेक्स्ट फिर हम देखते हैं क्या करना है। अल्लाह हाफिज़।